गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किए जाने पर अतिथि शिक्षक सरकार से नाराज हैं। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर सरई में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली के सरई तहसील में अतिथि शिक्षक संघ ने ज्ञापन देते हुए कहा कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक पंचायत में अनेक घोषणाएं की थी, जिसमें गुरुजियों की भांति अविभागीय परीक्षा, वार्षिक अनुबंध, सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक देकर नियमित करने का वादा किया था। लेकिन घोषणा के एक वर्ष बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जबकि सैकड़ों बार शासन प्रशासन से निवेदन किया जा चुका है। जी, हम लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं और जो 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और उसमें राज्य शासन ने पुलिस बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया और हमारे कुछ मित्रों पर FIR दर्ज की गई, उसके विरोध में आज हम लोगों ने तहसीलदार महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने यहाँ एकत्रित हुए हैं। तहसीलदार महोदय के द्वारा हम लोग अपना ज्ञापन प्रस्तुत करके और उसका विरोध प्रदर्शन किए हैं और साथ में ये मांग किए हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा हम लोगों को लंबे समय से जो हमारी मांग रही है, नियमितीकरण किया जाए। हाँ सर, हम लोग का प्रमुख मांग तो आज का ये है कि हम लोगों के साथ जो BJP का सरकार है, उनने 2 अक्टूबर को अभी पिछले महीने हम लोगों ने भोपाल में आंदोलन किया था, जिसमें हमारे BJP के सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाइट बंद करके लाठी चार्ज किया गया और वो भी हमारे साथियों ने। बहुत तो ऐसे महिला अतिथि शिक्षक वहाँ पर अवेलेबल थे जो प्रेग्नेंट अवस्था में थे और उनके ऊपर भी पुलिस जेंट्स पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सर, वो बहुत अन्याय है, हम उसका विरोध करते हैं। सर, सभी मीडिया साथियों को, जैसा कि हम अतिथि शिक्षक लगातार 15-18 साल से कार्यरत हैं, अल्प वेतन पर काम करते थे। पिछले सत्र माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री काल में महापंचायत बुलाया था और महापंचायत में घोषणा किए थे कि हम एक नियम बना करके, नीति बना करके सबको परमानेंट करेंगे और आज तक वो उनकी जो घोषणा है उसको मध्य प्रदेश की सरकार, अभी वर्तमान सरकार मोहन यादव जी, अभी वो उस पर कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।